जय सियाराम मित्रों, सप्रेम नमस्कार। आज का मेरा विषय है नक्षत्र। अंतरिक्ष में अनेकों आकाश गंगाएं और उनमें हमारे सौर मंडल की तरह अनेकों सौर मंडल, हमारी आकाश गंगा या गैलेक्सी या निहारिका एक बड़ी निहारिका है। विश्वास करना कठिन है कि सहस्त्रों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों मनीषियों ने किस तरह असंख्य तारों के संबंध में इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, कैसे उन्होंने तारों को मिलाकर नक्षत्रों और नक्षत्रों को मिलाकर राशियों की कल्पना की, और कैसे इन राशियों और उनमें विचरते ग्रहों के मनुष्यों पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभावों का अध्ययन किया। जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे वे आज भी प्रभावी और प्रासंगिक हैं। ये ग्रह ही हमारे बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व को संचालित और प्रभावित करते हैं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, जो न हिले न चले वह नक्षत्र है। अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, अरबी में नक्षत्रों को मनाजिल कहते हैं, जो मंजिल शब्द का ही बहुवचन है। नक्षत्र सूर्य चंद्र मंगल की तरह कोई अकेली इकाई नहीं होते। नक्षत्र कुछ तारों के समूह का ही विशिष्ट नाम है। आकाश में तारे ही नक्षत्रों की रचना करते हैं। तारे ही नक्षत्रों का आधार हैं। कल्पना भी कर पाना मुश्किल है कि कब कहां कैसे किन लोगों ने इन असंख्य तारों के बीच कुछ चिर परिचित छवियां खोजी होंगी। निसंदेह इस खोज में अनेकों पीढ़ियां खप गई होंगी। कालांतर में इन तारों को 27 आकृतियों में बांटा गया है। यही आकृतियां नक्षत्र कहलाती हैं। एक नक्षत्र अभिजित को भी माना गया है। इसे मिला दें तो नक्षत्र 28 हो जाते हैं। नक्षत्र 27 और राशियां 12, अतः 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आए। प्रत्येक नक्षत्र 13-20 का बना। एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा तो प्रत्येक चरण में 3:20 कला की स्थिति बनी। राशियों की तरह नक्षत्रों के भी स्वामी और देवता होते हैं। विंशोत्तरी दशा के निर्धारण में इन्हीं नक्षत्रों का आधार होता है। जन्म समय चंद्रमा का जिस नक्षत्र में होता है, जातक का उसी ग्रह की दशा में जन्म मान लिया जाता है। चंद्रमा जन्म समय जिस नक्षत्र में होता है वही उसका जन्म नक्षत्र या आदि नक्षत्र मान लिया जाता है, तथा वह नक्षत्र पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जिस राशि के अंतर्गत आता है वही राशि उस व्यक्ति की जन्म राशि होती है। जातक के जन्म नक्षत्र का उस जातक के व्यक्तित्व स्वभाव आदि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रहों को 3-3 नक्षत्रों का आधिपत्य दिया गया है। जैसे सूर्य के आधिपत्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, बुध के आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, गुरु के पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साड़ा, शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, राहु के आत्रा, स्वाति और शतविखा, केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल। इस तरीके से ग्रहों को हम बांटते हैं और उनके स्वामी और देवता निर्धारित करते हैं। देवताओं के संबंध में हम अगले ऑडियो में आपको बताएंगे। अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि अश्विनी को आज प्रथम नक्षत्र माना जाता है, जबकि प्राचीन काल में यह स्थान कृतिका को कहा जाता था। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र में सत्व, रज या तम कोई ना कोई एक गुण जरूर होता है, तथा वह नक्षत्र स्वयं में स्थित ग्रह विशेष को अपना वह गुण प्रदान कर देता है। बिना नक्षत्रों को जाने समझे किया गया फलादेश
सटीक नहीं हो सकता, अतः नक्षत्रों का गहन अध्ययन एक ज्योतिषी के लिए बहुत जरूरी है। अगली ऑडियोज में हम प्रत्येक नक्षत्र के विषय में बताने का प्रयास करेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय सियाराम।